किन स्टेप्स को फॉलो करके आप आने वाली मे में आपको सफलता प्राप्त होगी तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए आपको सारी डिटेल में मैं स्टेप्स बताऊंगा बिकॉज क्या होता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पर अगर आपने फेलियर फेस किया है और इसके पहले आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए हैं तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है और सिचुएशन तो तब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब साथ के दोस्त पास आउट हो जाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं आए या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में पास आउट तो हो गए थे लेकिन एग्रीगेट में टोटल आपका नहीं हुआ इसका मतलब है कि कहीं कहीं ना स्कोरिंग आपका बहुत ज्यादा कम हो गया मैं हंड्रेड परसेंट जो सिचुएशन है उसको समझ पा रहा हूँ आई कैन फील यू कैन फील बिकॉज अंडरस्टैंड इवन आई अ स्टूडेंट आई हैव क्लियर माई इंटरमीडिएट एंड अंडर क्योंकि सी ए फिटी के ही लोग समझ सकते हैं कि वो फेलियर का पेन क्या होता है राइट right? तो बने रहिए वीडियो में एंड तक आराम से इसको देखना कि आपको किन किन स्टेप्स को करना है इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे और प्रॉपरली अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो बिलीव मी यू विल श्योरली क्रैक इन द मे ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट माइंड से निकाल देना है कि आप एक फेलियर हो या आप सी ए नहीं कर पा रहे हो इंडिया में आठ लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सी एग्जामिनेशन देते हैं लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स ही पास आउट होते हैं तो फेलियर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ एग्जामिनेशन। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा ठीक है तो पहली सबसे पहली स्टेप है एक्सेप्ट दैट वी वर नॉट एबल टू परफॉर्म अब उसके एनालिसिस में हम लोग चलेंगे अब सबसे पहले अगर आप मे ट्वेंटी के एग्जामिनेशन में अगर आप फिर से अपेयर करने का सोच रहे तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और मेरा तो रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली आपने ट्राई करना चाहिए बिकॉज बॉस पासिंग सी एग्जामिनेशन इज लाइक अचीविंग अ बिग थिंग इन लाइफ तो अगर आप इस जर्नी में हो अगर आपको फेलियर फेस हुआ है कोई बात नहीं हम दोबारा से दुगनी तैयारी के साथ इसको क्रैक करेंगे लेकिन कैसे करेंगे कुछ हमें दूसरे रास्तों को अपनाना पड़ेगा बिकॉज अभी जिस रास्ते पर आप चले थे वहां तो हमें सफलता नहीं मिली इस केस में ये बहुत लॉजिकल है कि आपने यहाँ पर रास्ते को थोड़ा सा चेंज करिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको सक्सेस मिलेगा तो दो सबसे पहली चीज जो आप करोगे दैट इज द चेंज ऑफ एनवायरमेंट जो आपको बैनर पर यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा हमेशा से मैं बच्चों को गाइडेंस करता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो फिर से उसी माहौल में आप पढ़ाई ना करें अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे तो अब आप लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करिए अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तो आप जगह को बदलिए अगर आप अपने होम टाउन से पढ़ाई कर रहे थे और अगर आपके लिए किसी दूसरे सिटी में जाना पॉसिबल है जैसे पुणे है दिल्ली है जहाँ पर बच्चों का मॉब होता है उस केस में अगर आप वहाँ पर जाना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वहां पर जाकर आप पढ़ाई करो चेंज ऑफ एनवायरमेंट से थोड़ा सा फ्रेशनेस आप में जगती है अगर आप सेम रूम में या सेम लाइब्रेरी में या सेम प्लेस पर फिर से वापस अगर आप स्टडीज करोगे स्टडीज को तो आप बैठ जाओगे लेकिन वो पुरानी बातें आपको बार बार याद आएंगी

और आपका स्कोर कुछ ऐसा है एक ग्रुप में अगर आपको 150 से से और दूसरे ग्रुप में अगर आपको 150 से कम है तो उस की तैयारी करिए और उस को अच्छे से यहाँ पर आप दीजिए सिचुएशन नंबर थ्री अगर आपको दोनों ही ग्रुप में वन के ऊपर स्कोर है इट मीन दैट यू आर केपेबल ऑफ तो ग्रुप केस में आप प्रिपरेशन आपको करना है डू नॉट थिंक कि अभी मैं एक ग्रुप दूंगा फिर बाद में दूसरे ग्रुप का सोचता हूँ अगर दोनों ही ग्रुप में आपको 150 के ऊपर आपको मार्क्स आ गए इट मीन यू आर केपेबल सिर्फ जरूरत होगी यहाँ पर थोड़ा सा और एफर्ट करने की सो आई होप वो वो क्वेश्चन आंसर कर दिया है कि मुझे एक ग्रुप देना चाहिए दो ग्रुप देना चाहिए आपको एनी वन ऑफ द ग्रुप सिचुएशन वन टू एंड थ्री आई होप द पॉइंट इज रियली वेरी क्लियर अब उसके अगले स्टेप जो आपको करनी है दैट इज गेटिंग सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम आईसीआई मैक्सिमम बच्चे जो फेल होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो आई से सर्टिफाइड कॉपीज मंगाते ही नहीं है भाई ये क्या कर रहे हो हो आप आप एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि गलत गए थे तो पहली चीज जो आप करोगे स्टडी स्टार्ट करने के पहले डिमांड सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम आईसीआई प्रोसेस आप जानते हैं वेबसाइट का नाम आप जानते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके यू शुड डिमांड सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम आईसीआई बिलीव मी जब तक आप नहीं देखोगे कि आईसीआई आपसे क्या चाहता है या आप कहां पर गलत हो गए नेक्स्ट प्रिपरेशन में आपको बिल्कुल भी यहां पर जो है वो हेल्प नहीं होने वाला है अगर आप ब्लैंकली वापस से पढ़ाई की शुरुआत कर दोगे बिना या ये जाने कि आपके फेलियर का रीजन क्या है एटलीस्ट पेपर में आपने जो लिखा है उसके लिए कितने मार्क्स आई ने दिए है ये जब तक आप नहीं देखोगे आपको आगे पढ़ाई में कुछ भी हेल्प यहाँ पर नहीं होने वाला है सो so, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है आपको एज अ बिग ब्रदर कि गेट द सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम आई चाहे आपको वो आ, मतलब अगर आप फेल हो गए थे और आपको सब्जेक्ट में 58, 57 भी है स्टिल 60 मार्क्स क्यों नहीं आया

ये स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे है अगर आपको लगता है कि मेरा टैक्सेशन वीक है या मुझे कॉस्टिंग में फिर से की से की जरूरत है मेरा ठीक नहीं हुआ था ऑडिट मुझे अभी भी उतना जो है वो समझ में नहीं आया है तो सारे सब्जेक्ट्स की नहीं सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स की जो आपको लगता है उसके आप फास्ट ट्रैक बैचेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट दिया था दोनों ग्रुप अटेंड किया था और उस केस में अगर आप फेल हो गए हो तो फिर आ, मुझे लगता है कि उस केस में आपको फास्ट ट्रैक बैचेस की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर आप दो तीन अटेम्प्ट से आप फेल हो रहे थे और आपने बैचेस एक साल पहले करी हुई है तो मतलब बैचेस के टाइम पीरियड में और अभी मैं एक साल के ऊपर का टाइम पीरियड अभी जा चुका है तो उस केस में मेरा रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली आपने यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैचेस को ज्वाइन करना चाहिए ना कि सारे सब्जेक्ट्स को जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है वीक और फास्ट बैचेस में आपको में जोर कहां पर देना है so is, फास्ट बैचेस के साथ आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है is, जो भी आपने एग्जामिनेशन में पढ़ाई करते वक्त मिस आउट कर दी थी होता है ना कि आपको समय नहीं मिला तो आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा या एक चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को आपने नहीं पढ़ा तो अब वो चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी कीप दैट इन माइंड जितना एफर्ट आपने पीछे किया था उससे आपको सक्सेस नहीं आया है तो इस बार अपने को एफर्ट को डबल करना पड़ेगा तो कवर अप ऑल द लेफ्ट इन ऑप्शन और यू अगेन तो उस चीज को आप क्लैरिटी कर ले कोई भी कॉन्सेप्ट है जैसे टैक्सेशन में कोई कैलकुलेशन है कॉस्ट्यूम में कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है लॉ के कुछ सेक्शन नहीं समझ में आ रहे ई आई एस के कुछ आंसर आपको याद नहीं हो रहे केस स्टडीज आपने नहीं करी थी पास्ट एग्जामिनेशन पेपर आपने नहीं देखे थे एम टी पी आर टी पी सारा आपने नहीं देखा था तो जो कुछ भी आप पिछले अटैम्प में नहीं कर पाए आपको इस अटैम्प में करना पड़ेगा मतलब लास्ट अटैम्प में जितनी मेहनत करी थी वो तो करना ही पड़ेगा प्लस एक्स्ट्रा जो चीजें लगती है ना जो आपने नहीं करी थी वो अब आपको करनी पड़ेगी इस बात का आपको ध्यान देना है सो कीप दैट इन माइंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ये तो सभी जानते हैं लेकिन मैं बार बार इस पॉइंट को बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे पास आउट हो गए हैं आप उनको अगर पूछेंगे या उनसे बात करेंगे तो 80 टू 90 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स का फीडबैक आएगा कि हमने मिनिमम वन टाइम टेस्ट सीरीज यहाँ पर दिया था देखिए फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई थी या नहीं हुई थी टेस्ट आपने एक बार देना ही चाहिए हो सकता था पिछले अटैप में आपने टेस्ट सीरीज का प्लान किया था लेकिन आपके पास समय नहीं था लेकिन अब आप, आपके पास समय है आपने एक बार सिलेबस को रीड किया है तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा ना वहां पर आपको टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज देना होगा और मेरा रिकमेंडेशन है कि मिनिमम दो टेस्ट आपने यहाँ पर देना चाहिए बिकॉज भाई विराट कोहली भी तो मेन मैच के पहले प्रैक्टिस तो करता ही है हर एथलीट अपने मेन प्रेजेंटेशन डे के पहले बहुत प्रैक्टिस करता है तो एग्जामिनेशन को आप ओलंपिक्स की तरह देखना तो ओलंपिक में परफॉर्मेंस के पहले तो प्लेयर एक्चुअली ग्राउंड पर भागकर देखेगा ना एक्चुअली प्रैक्टिस करके देखेगा तो पढ़ाई करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही है 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 एक बार या आपको या एक बार बार आपको मिनिमम तो तो भी आप टेस्ट सीरीज देना तो आज जनवरी जनवरी चल रहा इट इज ऑफ सो काफी समय है आपके पास आईसीआई ने ऑलरेडी मे ट्वेंटी का एग्जामिनेशन टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को प्लान कर सकते हैं तो अगर आपके पास समय है और अगर आप एक ग्रुप वापस देने वाले हैं तो उस केस में आप आराम से

बिकॉज बिलीव मी अभी मुझे सीए पास आउट करके इट्स मोर देन नाइन ईयर्स और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने लगे थे, आपको कितने कितने अटेम्प्ट लगे थे थे मार्क्स मिले फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप सी ए हो या सी ए नहीं हो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं सी ए छोड़ रहा हूँ या मैं अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स पर आप वर्क करो और मैं अटेम्प्ट आप देख कर देखना

लगभग डेढ़ साल तक उस मतलब दो तीन अटेम्प देने के बावजूद भी सी फाइनल का ग्रुप टू तो यहाँ पर पास आउट नहीं हो रहा था उस केस में मैंने उसको सारी ये चीज़ें बताई और लगभग एक साल का उसने गैप ले लिया था ही वॉज नॉट एबल टू डू सी अगेन मतलब वो छोटा वो चाहता था कि उसको मैं छोड़ दूँ हमने उसको काफी मोटिवेट करा ये जो चीज़ें हैं ये मैंने उसे भी बताई उसने भी उसको इम्प्लीमेंट करा और काफ़ी शिद्दत से और अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा तो जो बंदा सी छोड़ने पर आ गया था और ऑलमोस्ट डेढ़ साल से डेढ़ साल हो गया था वो घर पे ही था विदाउट गिविंग एनी अटेम्प्ट ही फास्ट ट्रैक बैचेस फॉर ब्रशिंग फास्ट्रैकसिंग द नॉलेज ही टेस्ट सीरीज ही चेंज हिज एनवायरमेंट ही गॉट द सर्टिफाइड कॉपीज बिलीव मी उसने सारे मिसऑर्ट को सारा सिलेबस को कवर करा और सब कुछ सेल्फ स्टडी एंड क्लासेस इसकी मदद से वो बंदा आज सी बन चुका है तो मिराकल्स आर पॉसिबल आपको सिर्फ काम सही डिरेक्शन में करना है आप समझे ना कई बार क्या होता है कि हम अकेले ही काम करने लग जाते हैं या हमने काम करा हमको सक्सेस मिला बहुत अच्छी बात है नहीं मिला ना तो हमें उस रास्ते पर काम करना है, मिल पाता है।, है ना आपके फैमिली आपके ब्रदर आपके सिस्टर अगर वो सी ए से बिलोंग नहीं करते तो वो डेफिनेटली आपको एक मॉरल सपोर्ट देंगे लेकिन बिलीव मी पीपल अस टली फील सो मेरा रिकमेंडेशन है तैयारी करो इन को आप ध्यान में रखो और डबल मेहनत के साथ अच्छे से आप पढ़ाई को लोगो इन सब पॉइंट्स में अगर मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी कोई है तो वो है चेंज ऑफ एनवायरमेंट जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं चेंज ऑफ एनवायरमेंट कर लेता था जब मैं स्टडी करता था कभी मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ कभी मैं घर के

कि अगर हमारे कोई फैमिली मेंबर डिफिकल्टी फेस करता है तो हम उनको गाइड करें उनको वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश करें इसी तरह हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और आपको क्या लगता है और आपको क्या इनपुट इस पर लगता है वो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी लर्निंग एंड बाउंस बैक थैंक यू